जनता की इच्छा के आगे झुकते हुए नालंदा जिला परिषद के सदस्य तरुण यादव ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। लोगों की अपील पर उन्होंने चुनाव से अलग रहने का निर्णय लिया। तरुण यादव ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता ने उनसे चुनाव नहीं लड़ने की अपील की। लोगों ने कहा कि अभी समय कम बचा है और मुझे पूरे जिले में घूमना होगा, इसीलिए मुझे इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और अगली बार के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए। लोगों के इस आग्रह का सम्मान करते हुए उन्होंने नामांकन नहीं करने का फैसला किया। क्या कुछ वजह रहा आपने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया? हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे जो प्रखंड के या जो भी मेरे कार्यकर्ता गार्जियन हैं, जनता हैं, उनके बीच हमने गया, हमने घूमा, बातचीत किया कि सर हम आपके मैंने कि प्रत्याशी बन के चाहते हैं कि चुनाव लड़ें। वो लोग सीधे मना कर दिए कि इस बार भर आप रुकिए, अगला बार तैयारी करना है मंथन से और अगले बार की तैयारी करेंगे। इसलिए उन लोग बोले कि अभी टाइम कम है, इसलिए पूरा जिला के बात हो जाता है, इसीलिए चुनाव नहीं लड़िए। तो इसीलिए हम गार्जियन के बात मानते हुए अपने चुनाव लड़ने का फैसला बदल चुके हैं। कहीं कोई राजनीतिक दबाव? ना, राजनीतिक दबाव नहीं है। राजनीतिक ये मेरा गार्जियन का दबाव है, मेरा जनता जनार्दन मालिक जो है उन्हीं का दबाव से है और उन्हीं पर हम चुनाव लड़ते हैं। हर बार हम उन्हीं पर चुनाव जीतते हैं तो उन्हीं का बात लेकर ना चलेंगे। कहे जो भी करना है, जो वोट तो उन्हीं को देना है, उन्हीं को जिताना है या हराना है, तो उन्हीं से हम अथी सीखेंगे ना। तो, जो कहेंगे तो, वो यही मानेंगे। अपना समर्थन आप किसे दे रहे हैं चुनाव में? देखिए, जनता जिनको समर्थन कर देगी उसके साथ हम हैं। हमारे गार्जियन जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिनको जिधर समर्थन करेगी उसके साथ हम हैं। संदीप सौरभ जी के साथ भी आपने घूमा? नहीं नहीं, हम जनता के मालिक हैं, उन्हीं के साथ हैं। ना संदीप सौरभ के साथ है, ना एमपी साहब के साथ है। जिधर बोल देंगे जनता लोग कि हाँ इधर सपोर्ट कर देना, उधर सपोर्ट बात करेंगे। हुई है संदीप सौरभ से या कौशल जी से? नहीं, बात नहीं हुई है इस सब के मामले में, बात नहीं हुआ। अभी हम लोग बैठेंगे अपने कार्यकर्ता से, चुनाव में नया चेहरा लगा कि अभी कैसे कह सकते हैं, अभी तो बोले बैठ कर बात करेंगे। इसके लिए हम अपने जितना भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी अथी है, जनता हैं, हमारे बीच जो रह रहे हैं, अब आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? रणनीति तैयारी है, तैयारी ये कर रहे हैं ना, इसीलिए ना बैठे हैं कि अभी मैंने कि कम टाइम के लिए अगर अथी कर रहे हैं, कम टाइम में चुनाव जीतेंगे नहीं, इसीलिए 5 साल बढ़ गया, 5 साल के लिए अथी तैयारी करेंगे। रगड़ के दम होगा, होगा बीच में जाएंगे सबके बीच। क्या लगता है कि नेक्स्ट जो 2024 का, ये जो 29 का जो, हाँ उसमें कंफर्म आएंगे उसमें? हाँ, तैयारी करने के लिए रुका गया है, बिना तैयारी के लिए कुछ तो होगा नहीं।